आप सभी को अशोक चक्रधर का नमस्कार। देखिए, आज का ये परिणय पर्व चिन्मय पूजा से शुरू है, हो चुका है, ऑन है और उन्हीं पर जाकर रुकेगा। और अशोक चक्रधर भी शुभकामनाओं के लिए ऐसा एक छंद चुनेगा जो चिन्मय पूजा से शुरू हो और चिन्मय पूजा पर ही जाकर रुके, और इस दौरान गगन मंडल का हर देवता ऊपर से फूल बरसाए और आशीष देने के लिए धरती की ओर झुके। ये छंद कहलाता है कुंडलिया छंद। चिन्मय पूजा से प्रारंभ होगा और चिन्मय पूजा पर ही समाप्त। देखिए, चिन्मय पूजा का मिलन हर्षित हैं त्यों लोक, तीनों लोक। चिन्मय पूजा का मिलन हर्षित हैं त्यों लोक, अपनी मंगल कामना देता चचा अशोक। देता चचा अशोक कि तुम सारे सुख पाओ, ले विवेक से मनी हनीमून पर जाओ। कोई मध्य नहीं आए दूजी या दूजा, दीपक बाती बनकर रहना चिन्मय पूजा। ताली तो बजा दो, वैसे म्यूट हैं तो मुझे कहां सुनाई दे। बहरहाल दोबारा सुन लीजिए। चिन्मय पूजा का मिलन हर्षित हैं त्यों लोक, अपनी मंगल कामना देता चचा अशोक। देता चचा अशोक कि तुम सारे सुख पाओ, ले विवेक से मनी हनीमून पर जाओ। कोई मध्य नहीं आए दूजी या दूजा, दीपक बाती बनकर रहना चिन्मय पूजा। तो सबसे पहली बधाई चिन्मय की दादी श्रीमती इंदु बालाजी को, जिन्होंने मुझसे 10 साल पहले हिंदी में एमए किया अजमेर से, मैंने किया मथुरा से। बधाई चिन्मय के दादाजी डॉक्टर मदन लाल गुप्ता को, जिन्होंने अश्वगंधा पर रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किया और विश्व भर को अश्वगंधा के गुणों का एक तरह से तोहफा दिया। चिन्मय के माता पिता डॉक्टर राखी गुप्ता और डॉक्टर विवेक गुप्ता, दोनों को हार्दिक बधाई। दोनों लगभग 30 साल से हमारे पारिवारिक मित्र हैं। चिन्मय के भाई चैतन्य, आपको भी बधाई। और श्री एवं श्रीमती कुकरेती जी, आपको तहे दिल से बधाई, क्योंकि आपकी लाडली कन्या पूजा एक बहुत अच्छे घर में आई। हम नहीं आ पाए 50 की सूची में, ये जमाने का दोष है कि कोरोना का दोष है जो हम वंचित रह गए, लेकिन कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बतियाने में हम सुख से सिंचित हो गए। शिकायतें तो बनी रहती हैं बारातियों की, तो करेंगे, वे भाई जब मिलेंगे तब बताएंगे, लेकिन इस समय तो बधाई गाएंगे और मंगल कामनाओं के स्वरों को गुंजाएंगे। एक बार फिर आप सबको बधाई, धन्यवाद और नमस्कार।